Tulika ma'am has also joined us. Welcome, ma'am. Hi, good evening, Jagriti. I'll be here for little limited time because 6 o'clock my class starts. I have to take the session at 6. So I thought by that time I'll at least connect. It's our privilege for us that you joined and you have sparing your time with us. Thank you so much, Jagriti. Thank you so much. टीचर एजुकेटर के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत सोमू सर ने की थी। पिछले साल से सर इस पर लेक्चर ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, जिसकी मतलब टीचर्स को इनवाइट करते हैं, उन लोगों से लेक्चर ऑर्गेनाइज कराते हैं, ताकि जो भी लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई लोगों की नहीं हो पा रही है, जो ऐसे स्टूडेंट है जो सुदूर क्षेत्रों में है जिनकी पढ़ाई नहीं चल पा रही, तो उसको एक निरंतर हम लोग बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। मैं श्वेता मैम का परिचय कराने के लिए शंभू सर को आमंत्रित करता हूँ। शंभू सर आए और श्वेता मैम को हम सभी से परिचित कराएं। यस सर ऑडियो यस सर थैंक यू सो मच सर, सोमू सर, शंभुनाथ सर, आनंद सर, जागृति मैम, आप सभी को मेरे तरफ से सादर प्रणाम। और मैं श्वेता झा, आई एम फीलिंग रियली प्रिविलेज टू टॉक ऑन दिस टॉपिक, स्पेशली हाउ टू इम्पार्ट एजुकेशन अवेयरनेस अमंग द पेरेंट्स ड्यूरिंग दिस पैंडमिक सिचुएशन फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी कि मेरी दुनिया में इतनी जो शोहरत है सिर्फ और सिर्फ मेरे माँ बाप की बदौलत है। एक टीचर का रोल अच्छा है, पता है हमें, पर आज के सिचुएशन में एक माँ बाप का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं, क्योंकि ये एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम द ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग टूवर्ड्स द ऑनलाइन एजुकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। जॉन डेवी ने ये कहा है कि एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिविंग थ्रू अ कंटिन्यूस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। लगातार चेंजेस होता रहेगा और इट इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज इन द इंडिविजुअल विच विल एनेबल हिम टू कंट्रोल हिज एनवायरमेंट एंड फुलफिल हिज पॉसिबिलिटीज। अ चाइल्ड इज ऑलवेज हैविंग अ नीड ऑफ नॉलेज
तो वो नॉलेज का को प्रदान करना और ऐसी नॉलेज उसको प्रदान करना ताकि वो अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर सके और उन सभी एक्सपीरियंस के थ्रू वो अपने लाइफ को जी सके. सो व्हाट इज द नीड ऑफ द सोसाइटी इन द प्रेजेंट सिनेरियो रिलेटेड टू दिस ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन. In the present scenario, we are thinking about social distancing and this pandemic has taken a toll over so many things. So, yahan par ek baat aati hai ki collaboration of academics, social and emotional learning. Is teeno cheez ka ek samaveshan hona chahiye. Aap bachche ki academics bhi na ruke, uska social life bhi hampered na ho aur uski emotional learning bhi kharab na ho. सेकेंड पॉइंट जो है वो कहता है कि स्कूल फैमिलीज एंड द कम्युनिटी टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर. सो इन द प्रेजेंट सिनेरियो इट इज मच रिक्वायर्ड दैट द स्कूल्स द फैमिलीज एंड द कम्युनिटी शुड वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर एंड द चाइल्ड लर्निंग शुड नॉट स्टॉप एंड टू इंस्पायर द यंग माइंड्स सो दैट देयर द क्रीड ऑफ नॉलेज विल बी गेटिंग सेटिस्फाइड. साथ ही साथ प्रेजेंट सिचुएशन में बच्चों में सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप स्किल्स एंड रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, ये सभी चीज़ों को डेवलप करना जरूरी है. सो दीज आर द नीड ऑफ द सोसाइटी इन द प्रेजेंट सिनेरियो. एंड व्हाट इज ऑनलाइन एजुकेशन? एक ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो एक फ्लेक्सिबल इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी सिस्टम है जो कि इंटरनेट के थ्रू होता है. सो ऑनलाइन एजुकेशन इज द फ्लेक्सिबल इंस्ट्रक्शन डिलीवरी सिस्टम दैट एनकंपसेस एनी काइंड ऑफ लर्निंग दैट टेक्स प्लेस वाया द इंटरनेट. देन ऑनलाइन लर्निंग गिव्स एजुकेटर्स एन अपॉर्चुनिटी टू रीच स्टूडेंट्स हु मे नॉट बी एबल टू रीच इन अ ट्रेडिशनल क्लासरूम due to the existing COVID-19 pandemic situation around us. So in this present scenario, the children are not able to reach to the school, and in such a situation, this online education is providing an opportunity to the educators to reach to their students. Now, what is the significance of this online education? First point, in the NPE 2020, it is said that we have been almost fatally slow in the adoption of technology to improve the quality of education, as well as in using it to improve governance, planning and management of education. So young learners today belong to a generation that is born and brought up in the technology-rich environment. And they will use technologies that have not been invented so far, and they will enter in such jobs that don't exist at present. मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि हम लोग as Indian अभी बहुत slow हैं technology को integrate करने में education के field में. पर हमारा जो present generation है बच्चों का, वो technology rich environment में है. और वो लोग ऐसी टेक्नोलॉजी को या तो इन्वेंट करेंगे या उस तरह की जॉब्स में जाएंगे जो कि हम लोगों ने जिस तरह की टेक्नोलॉजी को अभी तक देखा ही नहीं है. कल ही मैं एक फेसबुक पे देख रही थी कि इंजीनियर्स ने एक ऑटोमेटिक गोलगप्पा मशीन बनाई है. सो यू कैन इमेजिन कि आगे आज से 10 साल के बाद जो जनरेशन होगी उनके लिए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना कितना जरूरी है. और इसीलिए एजुकेशन के फील्ड में ये ऑनलाइन एजुकेशन एक वन ऑफ द वे हो सकता है जिससे हम फ्लिप्ड लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग के थ्रू बच्चों तक पहुंच सकें. और बहुत सारी रिसर्चेज ऐसा कह रही हैं पेरेंट्स के थ्रू और बच्चों के थ्रू कि ये ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन चलना चाहिए इवन द पैंडमिक गेट्स ओवर. जैसे कि IITE का एक रिसर्च है गुजरात गांधीनगर का, और उसमें कहा गया है कि ये ऑनलाइन एजुकेशन कंटिन्यू रहना चाहिए इवन द पैंडेमिक शुड गेट ओवर. द सेकंड मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज एट द लॉन्च ऑफ इंडियाज 2021 बजट बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, शी हैड हाईलाइटेड द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी विच द गवर्नमेंट इज करेंटली वर्किंग ऑन. And a draft version of the policy outlines the important role of online learning could play in reforming India's education system and expanding access to higher education. So, online learning जो है, वो India के education system को बहुत ही चेंज, एक पैराडाइम शिफ्ट की बात मैं करूं तो ये बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है. आज से 5 साल 2 साल के बाद जो फील्ड ऑफ एजुकेशन होगा, इट विल नॉट कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द ट्रेडिशनल
classroom teaching. It will be changed. Besides that, the policy encourages Indian institutions not only to develop their own online programs, but also to recognize and award credit for online programs offered by foreign institutions. तो ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स इस ड्राफ्टिंग कमिटी में कहा गया है कि बहुत सारे जैसे कि अभी है भी जस्ट लाइक MOOC की बात करते हैं हम स्वयं की बात करते हैं तो ये हायर प्लेटफॉर्म हायर एजुकेशन के प्लेटफॉर्म के लेवल पर है. उसी तरह जो हायर सेकेंडरी है या सेकेंडरी लेवल का एजुकेशन का प्रोग्राम्स है उस तरह के भी प्रोग्राम्स को डेवलप किया जाए एंड नॉट ओनली इन इंडिया द फॉरेन इंस्टीट्यूट्स आल्सो और उसके थ्रू जो क्रेडिट डिसाइड हो क्रेडिट दिया जाए वो उस बच्चे के क्रेडिट को आगे बढ़ाए. देन अनदर सिग्निफिकेंस इज व्हाट दिस ऑनलाइन एजुकेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट व्हेन इट इज रिलेटेड टू द सेल्फ क्वारंटाइन एंड सोशल डिस्टेंसिंग. And this disease has taken a toll over so many things. We have to be quarantined. We have to be separated from the society. We have to keep the social distancing. So in such a way, in these situations around us, we have to shift towards the online education, whether we want or we don't want. Then the revolution brought by the internet. Aap ek Zomato se lekar ke एजुकेशन की बात करें तो सब कुछ ये जो इंटरनेट में रिवोल्यूशन आया है ये आपके कम्युनिकेशन आपके मार्केटिंग आपके स्ट्रैटेजीज आपके एजुकेशन सभी पर एक बहुत बड़ा इफेक्ट करने वाला है. देन इट इज ब्रिजिंग द टीचर्स गैप. मेनी ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स दे आर हैविंग द टीचर रेशियो स्टूडेंट्स विच इज वेरी high. It means 1 to 60 or 70 or 30, no, 40, above 30, which should not be there. So in such a situation, the teacher is not able to give equal focus on each and every student. But, and that way the efficiency level of the students gets declined. In such a way, when the online education is going to start, it will be promoting the self-paced learning, individualized learning scope. So in such a way, it will bring a bridging factor between the teacher and the students. Ratio and the gaps in between them. Then the associated cost of online education and learning is very low. You can understand that the effective cost of online education is very low because you don't have to pay for commutation, you don't have to pay for the fooding or lodging. If we are talking about the higher education or even for the boarding schools and all that. Then online education will surely bridge the gap in the education ecosystem. ये जो एक फासला बना हुआ है हम अभी तक completely ये जो technology है उसको integrate नहीं कर पाए हैं education system में तो ये एक online education जो होगा उस तरह के education का ecosystem तैयार करेगा जो हमें changing situations के through adapt करने में help करेगा. Then it is going to promote self-paced learning. You can understand what is self-paced learning. Then it is going to be futuristic approach of education and it is going to pave the way for individualized learning approach. महात्मा गांधी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि ऐसे जियो कि कल मरने वाले हो और सीखो ऐसे कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो. और ये इस अभी के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही सही साबित मुझे लगता है कि हमेशा हमें सीखते रहना चाहिए और इस तरह सीखना चाहिए कि हमें हमेशा जीना है. Then why we need to involve parents in the new normal system of education that is online education. अभी हम बात करें तो वी आर लिविंग इन अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्रेसेंडेड प्रेसेंडेंट टाइम. ये कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि इस तरह का समय आ जाएगा जहां पर हमें अपने घरों में बंद होकर के रहना है. एक यूनेस्को के डेटा के हिसाब से 1.3 बिलियन लर्नर्स आर अनएबल टू गो स्कूल नाउ एंड टू एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लर्निंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव एम्बार्क्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स. पर इस समय भी बच्चों की पढ़ाई ना रुकनी चाहिए इसीलिए बहुत सारे स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने अपनी लर्निंग के प्लेटफॉर्म को टीचिंग लर्निंग के प्लेटफॉर्म को इस ऑनलाइन मोड पर लाया. नाउ इन दिस ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन
the role has been reversed. The role of a teacher and the role of a parent has been reversed. Now the teacher is only a content curator, because the teacher are not having the direct access as they used to have in the classical classroom situation. So that is why टीचर इज अ कंटेंट क्यूरेटर. वो एक कंटेंट क्यूरेटर का काम कर रहे हैं कि चैप्टर वाइज लेसन को तैयार करना और उन्हें बच्चों को डिलीवर कर देना. यहाँ पर पेरेंट्स का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब पेरेंट्स एक फैसिलिटेटर, एक लर्निंग कोचेस के थ्रू काम कर के जैसे काम कर रहे हैं. अनदर फैक्टर वाई वी नीड टू इन्वॉल्व पेरेंट, बिकॉज पेरेंट इज हैविंग अ डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप with the student's academic success. अगर parent हर समय बच्चों के साथ होते हैं, उनको समय देते हैं और उनकी problems को solve out करते हैं, then we can see in our society that such students are having a very good academic success. Then interaction and support of parents are necessary for achievement, encouragement and accountability of overall online learning process. तो इंटरैक्शन ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स जब बच्चों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, नेसेसरी अचीवमेंट्स की बात करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, तो ये सभी एक सीढ़ी की तरह काम करती है और जो बच्चों को हमेशा मोटिवेटेड रखती है ताकि वो आगे की तरफ बढ़ते जाएं. एक बहुत अच्छी बात वेल लिविंस्की के थ्रू कही गई है कि आप एज अ पेरेंट हमेशा बच्चों के लिए एक पसंदीदा खिलौना रहेंगे, और तभी खिलौना रहेंगे क्योंकि वो आपको इमिटेट करते हैं. So role of a parent and their impact on child online learning process. So first role is what? Model as a positive attitude or a positive person. So you should, we as a parent should modelize ourselves as a positive or optimistic nature. So we don't need to criticize the online classes. Many of the parents, they used to criticize the online classes. Kya hota hai online education mein kuch nahi hai. But it is the need of the time and the society right now. Then don't treat the online classes as a temporary arrangement. ऐसी बात नहीं है. मैंने researchers में जैसे पढ़ा है अभी कुछ दिनों में कि कहा जा रहा है कि 20-25% of the syllabus अब online education के through दी जानी चाहिए, और CBSE वगैरह में इस सब पर बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं. So even the pandemic will get over, then also the 20-25% of the syllabus should be covered in this particular form, online education form. So don't think that it is the temporary arrangement and when the things will get over, the everything will be normal like as usual. Yes, everything will be normal, but we don't have to say that it is going to be a temporary arrangement. Then don't have unrealistic expectations. ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ना रखें. लेट्स मोटिवेट आवर चाइल्ड टू अटेंड द क्लासेस. अपने बच्चों को हमेशा मोटिवेट करिए कि वो ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करें, एंड देन बी एम्पैथेटिक एंड अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द क्लासेस. क्योंकि जैसे एज अ पेरेंट बच्चों के लिए ये सब कुछ नया है, उसी तरह टीचर्स के लिए भी ये सब कुछ नया है और पेरेंट्स के लिए भी सब कुछ नया है. सो वी ऑल थ्री शुड वर्क इन कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर, whether at the aspect of the teachers or the parents or the students. Then do not allow our children to skip the online classes, suggesting that everything would be repeated once the school or college will reopen. No, it is not going to be, and it is it is not workable also. Then don't hold back just because we are unable to use a certain technological tool. जैसे मैंने वो महात्मा गांधी जी का कथन कहा कि ऐसे सीखिए जैसे हमेशा जीने वाले हो, तो आप ये मत सोचिए कि आपने एक एज का क्रॉस डायमेंशन को क्रॉस कर लिया देन यू डोंट हैव टू लर्न. वी हैव टू लर्न एज अ पेरेंट और अ टीचर और एज अ स्टूडेंट. सो नई नई टेक्नोलॉजी को सीखना चाहिए, बच्चों को भी सिखाना चाहिए इस समय में. देन कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग, अनदर इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ पेरेंट इन द ऑनलाइन एजुकेशन इज to constantly monitor the kids. And why we need to constantly monitor the kids? Because the students are naughty. They are in such an age where they can. So due to these factors, we need to monitor. Entered in a separate room while doing the attending the online classes, they may flip the. They may enter into the chat room with the friends.
then busy planning with her toy, thinking their teachers won't notice in the camera. Yes, it is not possible that all 60 or 70 students can be monitored in a single screen. So all the time the teacher cannot keep an eye. So at that time the child is with you, you monitor that whether they are playing and they are switching off the camera, constantly changing the screen background, showing their house, their pets, their toys, sometimes flashing the cameras right on their parents without their knowledge. So your kid can be such naughty ki aap par hi focus karke camera and you are not knowing. So and then scribbling on the screen, whiteboards and on other, randomly walking out and without taking permission, or lying on the bed instead of sitting in an upright position for education, and switching off the camera for fun, not responding to the set instructions. So that is why, due to these reasons, as a parent, we should monitor our child while they are having the online education. Then, as a parent, you should be, or we should be, continuously involved. Then arranging what are the things we should be involved, then arranging the required devices and the tools for learning. Ek bacche ko unki jo bhi zarurte hain device ke through, wo sabhi unko available karwaya jaye. Setting up a designated area for the children to attend the classes without any disturbance. Ghar ka ek aisa corner select kiya jaye jahan par bacche aaram se apna education le saken. Then helping with homework, and in case of very young children, helping them to upload the completed task. Unhe help karna chahiye homework karne ke liye. Saath hi saath agar bacche bahut chote ho to unhe bahut sari cheeze upload karni hoti hai, jaise Google Forms mein and all that. To unhe wo homework ko, wo assignment ko upload karne mein bhi help kare parents. Enforcing routine and a structure so that they treat it as a normal school. जैसे ऑनलाइन क्लासेस अगर 9 बजे से शुरू हो रही हैं, तो वो 9 बजे से बैठ जाएं अपने जो डेजिग्नेटेड एरिया है घर का, जहां पर वो अपना एक क्लासरूम सेटअप क्रिएट करके रखे हैं. सो एक नॉर्मल उसे स्कूल जैसा फील आए, क्लासरूम जैसा फील आए. गेटिंग फेमिलियर विद चाइल्ड्स ई लर्निंग टूल एंड हेल्पिंग देम नेविगेट थ्रू. एक केवल स्कूल पर ही डिपेंडेंट होना ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि जब आपके पास इंटरनेट है देन यू आर हैविंग एक्सेस टू सो मेनी. सो इन three times as a parent we can get familiar with the other e-learning tool and we can help our child to navigate through it. Then another very important factor in the present scenario is cyber security. So as a parent we should keep an eye for cyber security for the students. Aur kyun is cyber security ki zarurat padti hai, kyunki internet jo hai ek thali mein बहुत सारी चीज़ों को परोस रहा होता है जो अनफिल्टर्ड और अनसेंसर्ड कंटेंट भी होते हैं. इसीलिए साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है. देन चिल्ड्रन मे हैव एक्सेस टू इनएप्रोप्रिएट कंटेंट, सब्जेक्ट ऑफ साइबर बुलिंग, ओवर शेयरिंग ऑफ प्राइवेट इंफॉर्मेशन एंड ऑनलाइन गेम एडिक्शन. सो ड्यू टू दीज रीजंस द पेरेंट्स शुड मेंटेन द साइबर सिक्योरिटी फॉर देयर किड्स. नो इंटरवेंशन ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लासेस. आप जानते हैं कि जब आप बच्चों के आसपास होते हैं तो इंटरवेंशन इट मींस वो ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे. सो इसीलिए जब बच्चा क्लास कर रहा हो, चिल्ड्रन गेट्स कॉन्शियस इफ पेरेंट्स आर अराउंड. सो डोंट विजिट टू देम रेगुलरली, डोंट सिट अराउंड देम ऑलवेज. कीप एन आई, कीप अ कंट्रोल ओवर इट, बट at the same moment don't interrupt between the classes in due course of time. Microphone, and the another reason why no intervention is required, because sometimes the microphone may be unmuted and unknowingly your daily routine, the gossip with your siblings and another daily routine of your house can be shared. So in that way it may be embarrassing in later when the child will be joining the class, or the things will be shared with the other classmate and other teachers too. Then clear your queries, doubts after the class gets over. So once the class, if you have any queries or if you have any doubts, wait till the class gets over and then you clarify from the teacher afterwards. Motivate, communicate and encourage. Always the kid should be motivated. As a parent, we should motivate our kid, we should communicate with our kid, we should encourage our kid. Then agenda and learning space. Agenda, it means not only always study, 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 but your study should be
filled with such activities, co-curricular activities, which will help in the holistic development of these students. So first of all, the learning space should be free from any type of distraction. A well-lighted, a well-ventilated area should be there. Well-organized table should be there, where they can keep their devices and their notebooks and pens. So such area should be created for a kid for online education. Home exercises. As a parent, you are the learning coaches right now. So that is why any sort of indoor physical activity for the fitness of all the core body parts should be done as a on a regular basis in everyday routine, like the Zumba or yoga, any such type of activity. Then voice and choice in learning. As a parent, another suggestion I can give, you can keep a jar in which the child can keep the chits, what they want to do. And with the whole family members, interaction and with all these will result into the interesting menu of choices filled with learning opportunities, fun and holistic development of the child. Then meaningful conversation. We should have meaningful conversation with the child about the things which they can relate in the present scenario. Then digital safety, privacy settings, like if they are kids in the mobile or in the laptop, you can go for Google. They are having parental settings. So you can apply that parental settings. So the unfiltered, uncensored things would not be available to your kid. So privacy settings should be set to the strictest possible level. And the electronic devices should be kept in an open common area, common space of your house. Then virtual play dates. And the child is completely isolated inside the house, bounded within the four walls. So in such a situation, as a parent, it's our duty so that they can have some days. So we can select certain days on which we can organize a small meeting with their classmates or with their playmates, so that they can have the access to social responsibilities to get creative with the technology. So as a parent, we don't think, we should not think that this is the end and we should not explore. We should always explore. And this change in education system is making you or asking for you to be always creative. So parents should explore different mediums of online learning. Then from the starting of the session, as a parent, we should create certain folders of different subjects, and we should keep the different content materials organized. So at the last, there will not be have any problem that they don't have the material of so and so, and at the time of examination or such a type of restlessness would not be there among the children. I hope this much is clear. So I want to conclude with this, that good parenting gives credit, but bad parenting is not a. It's better to be good parents. We should have certain headaches at this point of time, in spite of having headaches. So it's said by Kera. Thank you all. I'm waiting for questions right now. Continue. Should I continue with the conclusion? Sorry, or is there any question you have?
Is there any question, sir? Anand sir? यस सर आपकी आवाज आ रही है। यस सर परफेक्टली योर वॉइस इज ऑडिबल। आई थिंक मैम हैज सम नेटवर्क लैग। Hey, Shambhu ji, can I respond? Yes, sir, most welcome, sir, most welcome. Welcome, sir. Good evening. Yeah, now one thing is, either online, offline, parents are an integral part of our system. Parents ko baju rakhna kuch bhi nahi hai. At the same time, parents ko 100% satisfying is only idealistic. Practically 100% satisfaction even we can't give to a student. That is a practical reality. Even if some of you disagree, I don't mind. To the best possible, we satisfy the student and also we take the parent into confidence. He is a partner. We three are the important entities in this process. The student at the center, the other side, the parent, and this side, we the teacher, and the media is mediating all of us, including the other stakeholders. So we try to create that confidence and build the confidence of the parents rather than satisfying. Say if tomorrow parent says, no homework is given you, sir. Earlier, at least we used to have homework. Immediately, shall we start giving homework, dumping homework? No, sorry. If your presentation, your class demands, requires either as a pre-study or a post-study, you are free to give homework. I'm not saying yes, you should give, you should not give. Target is the student, but definitely we coordinate and take the parent into confidence. And whatever the percentage, each parent gets satisfied, varies from parent to parent, that's fine. We teachers are ready to accept and take it and do the best possible. Hope that answers to some extent. If required, somebody please translate in Hindi. Yeah, madam has come back. Good. Yes, sir. Sorry, sir. Due to network issue, I think I was. पेरेंट्स में अभी बहुत सारी धारणाएं हैं कि ये कुछ दिनों के लिए है और कुछ दिनों के बाद ये ऑनलाइन एजुकेशन का मोड जो है वो खत्म हो जाएगा, फिर से हम लोग बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। पर पेरेंट्स में एक अवेयरनेस लाने की जरूरत है कि ये कुछ दिनों के लिए बस होने वाला नहीं है। जैसे अभी बहुत सारी रिसर्चेज आ रही हैं कि इवन आफ्टर पैंडमिक, जैसे मैंने कहा कि IIT गुजरात गांधीनगर से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, उन्होंने एक रिसर्च किया कि ये ऑनलाइन एजुकेशन चलना चाहिए पैंडमिक के बाद या नहीं। तो पेरेंट्स और टीचर्स, इवन फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो, और स्पेशली छोटे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की बात भी करूं,
तो ज्यादा जो परसेंटेज आया है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए इवन आफ्टर पैंडमिक। इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं सर। हाँ, थोड़ा आप वन टेक में नहीं सीख पाते हैं, बट दिस इज ओनली प्रोवाइडिंग यू द प्लेटफॉर्म ऑफ गिविंग इट इनटू अनदर टेक आल्सो। सो आपके पास वो कंटेंट अवेलेबल है, आप उसे बार बार देख सकते हैं, बार बार देख करके उसे सीख सकते हैं। यहाँ मैं बात करूँ कुछ स्कूल्स की, तो कुछ जो किंडरगार्टन लेवल के स्कूल्स हैं या प्राइमरी लेवल के स्कूल्स हैं, उन्होंने पेरेंट्स को एक ट्रेनिंग दी, एंड द ट्रेनिंग वॉज ऑफ वन मंथ आई थिंक, एंड आफ्टर दैट ट्रेनिंग द पेरेंट्स आर टीचिंग देयर ओन किड्स। बस टीचर्स क्या कर रहे हैं, वो डिलीवरी सिस्टम के जैसे काम कर रहे हैं और वो भेज दे रहे हैं कंटेंट को क्यूरेट करके, एंड द पेरेंट्स आर गेटिंग इन्वॉल्व इन सच टाइप ऑफ थिंग। देन अनदर थिंग इज वॉट, ये कंटिन्यू रहने वाला है। कुछ परसेंटेज ऑफ सिलेबस को अब हमें चेंज करना चाहिए ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू, क्योंकि जब हम बोर्ड्स की भी बात करते हैं तो वहाँ असाइनमेंट पे भाई नंबर दे दो, 20% आपका मार्क्स जो है वो असाइनमेंट पर है। असाइनमेंट क्या है एक्चुअली में, तो बच्चे वही कॉपी पेस्ट कट करके लाते हैं और वो चिपका करके आपको देते हैं, और ना चाहते हुए भी आपको वो देना पड़ता है मार्क्स 20% का। तो यहाँ पर बात आती है कि जब आप ऑनलाइन एजुकेशन कुछ परसेंटेज ऑफ सिलेबस के लिए क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पर फ्लिप्ड लर्निंग को अप्लाई किया जा सकता है, ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग को अप्लाई किया जा सकता है। और जब हम कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात कर रहे हैं कि आप एक कन्वेंशनल क्लासरूम में कैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से पढ़ा सकते हैं, तो जब आप एक कंटेंट को भेज दे रहे हैं और उस पर एक असाइनमेंट क्रिएट करके भेज दे रहे हैं, देन द चाइल्ड इज एक्सपोज्ड दैट व्हाट दे हैव टू स्टडी एंड दे विल कम विद सम सर्टेन थिंग। नाउ द स्टूडेंट्स आर ऑल्सो द रिसर्चर्स। एज अ टीचर वी आर फेसिंग दैट द स्टूडेंट्स आर नोइंग मोर ऑन सर्टेन टॉपिक ऑफ देयर इंटरेस्ट, दे आर लर्निंग मोर, फाइंडिंग एंड रिसर्चिंग मोर एंड मोर ऑन द इंटरनेट एंड गेटिंग the ideology of it. बच्चों में अवेयरनेस आ चुकी है, पेरेंट्स में अभी भी अवेयरनेस नहीं है। आई थिंक 70% ऑफ द पेरेंट्स आर नॉट येट अवेयर दैट ऑनलाइन एजुकेशन सही है, पर ये बहुत मायनों में सही है सर। और कोई दूसरा सवाल था? आई थिंक आई एम एबल टू सैटिस्फाई दैट क्वेश्चन। मैम व्योमेश जी का एक सवाल था कि ऑनलाइन लर्निंग से बच्चों में जो सामाजिक संवाद और व्यवहार की कमी पैदा हो रही है, उसको हम कैसे फुलफिल करेंगे, उसको हम कैसे देखेंगे? या बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सही बात है कि इसीलिए मैंने कहा ना कि सोशल भी कोलैबोरेशन की जरूरत है। इसीलिए वर्चुअल प्ले डेट्स की बात कर सकते हैं, जहां पर हम एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करें। वो मीटिंग फैमिली मेंबर्स के साथ हो सकती है, वो मीटिंग उनके दोस्तों के साथ हो सकती है, जहां पर वो सोशल एटिकेट्स के बारे में सीखें। एज अ टीचर मैं अगर बात करूं तो तुरंत वो क्या कहते हैं कि हाय मैम, if they are giving a whatsapp message they will give you right hi ma'am. So talking to a teacher should not start with hi, there should certain type of good morning or good evening, such type of gesture should be there. So that is why such social responsibility is also on the parents right now, which they used to learn in the earlier part at school. Now we both as teachers and both as parents, they both are having a collective responsibility. Abhi maine ye summarize nahi kiya hai, mere summary mein bhi bahut sare answers aapko mil jayenge jo kahenge ki kaise hum as a parent inculcate kar sakte hain. To wo chahe wo type of texting ho, chahe wo wishing ho, chahe wo apna ek answer hi bhejna kyun na ho, ek email hi kyun na bhejna ho, ये बच्चों को सीखना है और सिखाना है। एज अ टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस सर, एनी अदर क्वेश्चन? मैम एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे पहले हम क्लास बेस्ड एजुकेशन था हमारे पास, और अब जब कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो इससे कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जिन्हें हम देख पा रहे हैं या अभी फेस नहीं कर पा रहे हैं, और इनका समाधान क्या होगा मैम? क्लास बेस्ड एजुकेशन से कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन, कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन में तो समस्याएं बहुत सारी हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज पहली बात तो आ जा रही हैं बच्चों के अंदर, चाहे वो स्क्रीन बिहेवियर हो, चाहे वो बैठने का पोस्चर हो, सभी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। साथ ही साथ उनका जो बिहेवियर है वो एक राइटिंग एबिलिटी उनकी चली जा रही है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि पीडीएफ के फॉर्म में है या कंटेंट प्रिपेयर्ड है तो लिखने की जरूरत नहीं है, और एज ए पेरेंट अगर हम उन्हें मॉनिटर नहीं करते हैं तो वो लिखना भी भूल जाते हैं।
तीसरी बात अगर बात करूँ तो सोशल जो एटिकेट्स है वो खत्म होता जा रहा है. दे आर आइसोलेटिंग देमसेल्फ फ्रॉम द फैमिली, फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स, फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द टीचर्स. जो हमें पहले देखने को मिलता था वो अब हमें नहीं देखने को मिल रहा है. सो बहुत सारी इश्यूज हैं, चाहे वो सोशल लेवल पे हो, उनके पर्सनल लेवल पे हो, उनके हेल्थ के इश्यूज हो, ये सभी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं. बट उन सभी का समाधान भी है. जैसे अगर वो एंटी ग्लेयर ग्लासेस यूज करते हैं तो उनका स्क्रीन बिहेवियर से उनकी आंखों पर असर नहीं पड़ेगा. स्क्रीन टाइम को अगर हम लिमिटेड करते हैं कि इतना ही स्क्रीन टाइम है, इतना ही समय आपको लैपटॉप या मोबाइल यूज करना है. तीसरी बात, अगर हम टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ गेम्स ऑर्गेनाइज करते हैं बच्चों के साथ बातें करते हैं तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंदर डेवलप होती है. मैंने कहा ना कि टॉक इन सच अ वे दैट विच दे कैन रिलेट. हमें कोई दुनिया जहान की बात नहीं करनी है लेकिन ऐसी बात करनी है जिन्हें वो अपने डे टू डे लाइफ से रिलेट कर सकें. तो इस तरह का कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना होगा. हाँ, कम्युनिकेशन स्किल भी बच्चों में खोता जा रहा है क्योंकि पेरेंट्स अगर समय नहीं दे पाते हैं तो बच्चे बात नहीं करते हैं अपने, और अभी तो उनके पास फ्रेंड्स भी नहीं है, टीचर्स भी नहीं है जिनसे वो बात कर सकें. सो इन सच अ वे द कम्युनिकेशन स्किल इज ऑल्सो गेटिंग टू बी हार्मफुल. आनंद सर, इज इट क्लियर? यस यस, थैंक यू मैम. मैम एक सवाल मेरा है. जैसे कि मैम अभी हम ऑनलाइन एजुकेशन में अचानक पेंडेमिक के दौरान आ गए हैं, लेकिन मैम जहां हम बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार में मैम अभी सारे बहुत सारे ऐसे रूल हैं. जैसे मैं अभी एट टाइम हरियाणा में, लेकिन मैं बिलोंग करता हूं बिहार से, तो बिकॉज हरियाणा टू बिहार को हम कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ से की एजुकेशन सिस्टम वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा फर्क है. लेकिन बिहार में मैम अभी भी बहुत सारे रूरल एरिया है जहाँ तक बच्चे तो रेगुलर अभी बाढ़ की आने की टाइम है तो वहाँ तो पढ़ नहीं पाते थे, तो ऑनलाइन की कनेक्टिविटी तो वहाँ पे अभी भी नेटवर्क नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम है मैम. तो वहाँ के बच्चे को कैसा कोई ऐसा टूल हो ताकि वो बच्चे एजुकेशन ले सकें. वैसे सरकार दे रही है ऑनलाइन में बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, टीवी पे दे रही है, लेकिन उस घर बच्चे के घर में तो टीवी भी नहीं है तो कहाँ से मैं ऑनलाइन एजुकेशन ले पाएगा वो. बिल्कुल सही बात कही सर आपने. और हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ अभी तक हम लोग विकासशील बने हुए हैं, विकसित नहीं हुए हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर की इश्यूज अभी भी हैं और रहेंगी. तो ऐसे सिचुएशन में हम प्रिपेयर्ड कंटेंट प्रिपेयर करके बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं. एक सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर हम जाकर के महीनों में, पर इनिशिएटिव तो हमें ही लेना होगा. एज अ टीचर हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, इनिशिएटिव लेनी होगी कि एटलीस्ट मंथ में एक बार विजिट करें वहाँ के स्कूल्स के टीचर्स जाकर के, और एक सेंटर को क्रिएट करें एक लोकेलिटी में, और जो प्रिपेयर्ड मटेरियल है जिसे वो आसानी से समझ सकें. मैंने कहा कि टीचर का रोल अब क्यूरेटर का ज़्यादा हो गया है. तो क्यूरेटर जैसे ही आप सोचते हैं तो आप सोचते हैं कि उस पर्टिकुलर कंटेंट को किस तरह से बच्चों के सामने परोसा जाए कि वो आसानी से उसे समझ सके. तो जब अगर टीचर नहीं भी होगा साक्षात रूप में तो भी वो उस कंटेंट को देख करके पढ़ सके. तो उस तरह के मटेरियल को डेवलप करने की जरूरत है और इसमें समय लगेगा. वो रिसर्च विंग्स हो अलग अलग एजुकेशन बोर्ड्स के तो उन्हें समय लगेगा और उस तरह का कंटेंट तैयार किया जाए जहाँ पर वो फिजिकल फॉर्म में वो कंटेंट उनको प्रोवाइड कर दिया जाए जिससे वो खुद से भी पढ़ करके समझ सके. उस तरह का कंटेंट प्रोवाइड किया गया. दिनेश सर, आई थिंक ऐसा किया जा सकता है. यस मैम. सभी सेक्टर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं. आई हैव अ क्वेश्चन, कैन आई आस्क मैम? यस यस मैम, जाइए मैम. मैम लाइक एट द प्रेजेंट टाइम ये नॉलेज से भरा हुआ है. लाइक इंटरनेट पे लॉट ऑफ पीडीएफ मटेरियल इज अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स. एज अ पेरेंट एज वेल एज टीचर, हम लोग क्या करें बच्चों से कि वो हम जो पीडीएफ है जो रिटन कंटेंट मटेरियल प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स पढ़ते ही नहीं है, तो उनको मोटिवेशन के लिए या स्टूडेंट को हम क्लासेस के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं. दे keep off the microphone and everything and they used to switch off, वो अपने कामों में लग जाते हैं. तो as a parent and as a teacher, what things and what activities we should do to make themselves to engage in the learning from the inner core. मतलब वो उनको खुद से इग्निटेट हो पढ़ने के लिए,
ना कि हमको उन्हें बार बार पंच करना पड़े कि बेटा डू दिस मैम समथिंग है ऐड ऑन दिस। पहले तो मैम पहले ये पेरेंट्स का ही रोल मैंने डिस्कस किया कि उन्हें कंटिन्यूसली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, वो एक होम मेकर हाउस होल्ड कीपिंग जो भी काम करते हैं, पर उसके साथ साथ उन्हें पर्सनली इन्वॉल्व होना पड़ेगा बच्चों के साथ, साथ ही साथ एज अ टीचर हमें एक मोटिवेटर के जैसे काम करना पड़ेगा, चाहे वो उनका व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे वो जो पीडीएफ हो, उससे रिलेटेड टाइम टू टाइम आप टेस्ट लिया कर सकते हैं, टेस्ट के मार्क्स जो हैं वो पेरेंट्स के व्हाट्सएप पर भेजा जा सकता है जिसे पेरेंट्स देखें और बच्चों के ग्रोथ के बारे में उनके डेवलपमेंट के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी ली जा सके। साथ ही साथ कुछ ना कुछ ऐप्स डेवलप किया जाए, यहाँ एप्लीकेशंस को डेवलप करने की बात होनी चाहिए, रिसर्च जो आईटी टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर उस तरह के टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जाए जिससे वो जैसे हम लोग प्रोग्राम्ड लर्निंग की बात करते थे ना, प्रोग्राम्ड लर्निंग में पढ़ते थे तो एक स्टेप बच्चा कंप्लीट करता था तो वो खुद ब खुद मोटिवेट होता था कि सेकेंड स्टेप को हमको कंप्लीट करना है, उस तरह के एप्लीकेशंस को डेवलप करना होगा जब हम ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ बढ़ेंगे तो, क्योंकि ये पूरा एक शिफ्ट होने वाला है, हो सकता है और जरूरी भी है क्योंकि जो एक्सप्लोडिंग पॉपुलेशन है उतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है जिसे हम एजुकेशन अवेलेबल करवा सकें, तो उस तरह के अगर एप्स डेवलप हो जाते हैं जिसमें बच्चा हर एक कंटेंट स्पेसिफिकली साइंस में मैथ्स में उस तरह के कंटेंट को पढ़ करके और उस तरह के रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस को करके एक स्टेप को अगर सेलेक्ट करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, सेकंड स्टेप में जाते हैं तो वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है यहाँ पर, और एज अ टीचर हम उन्हें मोटिवेट करते रहें हमेशा, वो हमारा काम तो हमेशा मोटिवेटर का है और वो करते रहना पड़ेगा। थैंक यू मैम, यू वेरी वेल एक्सप्लेन ऑन आवर क्वेरी। Thank you, ma'am. Yes, thank you, ma'am. Now I want to conclude. Any other question? Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Any other question? Yeah, good evening. Yes, ma'am. मैम जागृति मैम ने जैसे बोला वही सेम क्वेश्चन मेरा है कि एज अ स्टूडेंट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट हमारे पास ऑनलाइन मोड में भी है एज वेल एज ऑफलाइन मोड में भी है, तो इस बीच में मैम हमें ढेर सारा कंफ्यूजन होता है कि हम किस मोड से ज्यादा गेन करें या अडॉप्ट करें एजुकेशन या लर्निंग, सो मैम उस बीच में जो कंफ्यूजन होता है उसको कैसे दूर करें और किस मोड को ज्यादा प्रमोट करें या किस मोड से ज्यादा सीख सके इस टाइम में। मैम अभी का जो सिचुएशन है वो हमें तो नहीं फोकस करने दे रहा है ताकि हम ऑफलाइन की तरफ आगे बढ़ सकें, पर जो ऑनलाइन का कंटेंट आ रहा है उसे हम शुरुआत से ही, मैंने कहा कि फाइल्स और फोल्डर्स बना करके सेपरेट करके रख लें तो जब एग्ज़ाम की बारी आए तो हम उसे एक बार अगर जाते हैं देख लेते हैं तो वो आसानी से दिमाग में चला जाता है, पर यहाँ लिखने की ह्यूमन साइकोलॉजी की बात आती है कि जो चीज़ आपने लिख लिया है तो वो बहुत अच्छे से दिमाग में रह जाती है, तो उसी कंटेंट को अगर हम थोड़ा अपना नोटबुक में पॉइंट्स वाइज ही लिखते चलें तो वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प करेगा। ऑफलाइन भी अगर मटेरियल है तो उसमें भी आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि ऑफलाइन का मटेरियल ज़्यादा आसानी से समझा जा रहा है या ऑनलाइन वाला मटेरियल, देन आप उसको सेपरेट करके, क्योंकि एक बेटर ऑर्गेनाइजर एज ए स्टूडेंट मैं यहाँ सोच रही हूँ, एक ऑर्गेनाइजर का भी रोल एज ए स्टूडेंट और एज ए पेरेंट और एज ए टीचर हमें करना पड़ेगा ताकि बच्चे उसे आसानी से कोप अप कर सके इस सिचुएशन में और उनकी लर्निंग में कोई भी किसी तरह की बाधा ना आए। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग श्वेता मैम, आई हैव अ क्वेश्चन ma'am, like on offline mode when we were used to go to the classroom, the assessment or the examination pattern during that, the parents were also well aware and they were very much they were very much careful about their words, but now I have seen that parents are also taking it very casually regarding the examination pattern, although the teachers are trying to give their 100%, and even if the child is quite serious enough they make it very clear, okay nothing will happen, the questions will be, they become the judge themselves and they say that the questions will be very easy, so don't, nothing to worry because it is a pandemic situation. I believe that in such situation the knowledge gained by the child is not as enough as they could have been, because they show the interest as their teachers motivate them, they inspire them, so how to make that parents understand the importance of assessment, please enlighten me. They are not motivated. I must say they are not motivated what they used to do, and the reason is what, we are not having the direct access
The teachers are not having a direct access. एक competition का माहौल नहीं मिल रहा है. एक physical जो competition होता था कि class में बच्चे बैठे हैं और मेरे साथ वाले को अगर 90 आ रहा है तो मुझे 70 क्यों आ रहा है, तो वो एक ऐसा situation create नहीं हो रहा. एक तरह से positive fact भी है, positive benefit भी है उसका, कि जिस तरह से पॉजिटिव बेनिफिट ये है कि जब हम थ्री इडियट मूवी की देख बात करते हैं तो वहाँ कहा गया ना कि नोटिस बोर्ड पर इस रिजल्ट को क्यों चिपकाया जाए, बच्चे के कान में जाकर के कहा जाए कि आपको इतना परसेंट आया, आपको इतना परसेंट आया. एक तरह से उस फैक्टर पर हम सोचे तो ठीक है, बच्चे ठीक है, बच्चे नॉलेज गेन कर रहे हैं, बट एज अ टीचर वी आर फेलिंग टू मोटिवेट आर स्टूडेंट्स. एंड देर आर सो मेनी फैक्टर्स मेकू. Not only our duty is getting left, but there are so many factors. Social factors are there, family factors are there, management factors are there. Many factors which is working on the teachers also right now, by which they are not able to motivate their kids in such a way. अगर टीचर बोल भी देते हैं कि अगर इतना मार्क्स नहीं आएगा तो हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, but at last टीचर के हाथ में है क्या? Yes, ma'am. तो पेरेंट्स आर टेकिंग इट कैजुअली. पेरेंट्स टीचर्स को भी कैजुअली ले रहे हैं, इस एजुकेशन को भी कैजुअली ले रहे हैं, और उसको कैजुअली लेने के लिए वो जो फैक्टर्स हैं वो ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा मैं कह सकूँ तो बहुत ज़्यादा अभी पिलर्ड फॉर्म में स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हैं, क्योंकि ये तुरंत अभी चेंज आया है और इसे एडजस्ट और अडाप्ट करने में थोड़ा सा समय लगेगा, ताकि पेरेंट्स भी अवेयर हो. जब तक कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं आएगा तब तक हम इस पर कोई चर्चा कोई बात नहीं कर सकते. थैंक यू मैम, वेरी वेल एक्सप्लेन. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में टाइप करें, अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकता है. Meanwhile, may I conclude, Anand sir, conclusion yes, points? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, I would like to reiterate that a child's holistic development, whether at home or at school, is governed by all players. And the players are the parents, the teachers, the child himself, the facilitators, now the internet, now the mobile. So, a child's journey towards his horizon is having a proper coordination of all these factors. Therefore, parents have a responsibility to create an environment of learning which reinforces the online content. And parents must remember that the home becomes a classroom. And home has turned into a classroom during this new normal mode of learning. और ये समझना जितनी जल्दी हो सके वो उतना ही अच्छा होगा as a parent, as a teacher, or as a student. So therefore, it's a collaborative effort. It is requiring a collaborative effort to one common goal that our child, which will help or which will lead for our child's overall development. So let's join hands and work towards this goal so that child's holistic development would not be stopped at all. So बच्चों पर निवेश करने की सबसे अच्छी चीज है अपना समय और अच्छे संस्कार. तो यहाँ जितने भी क्वेरीज थे उस सभी का एक यही जवाब मैं दे सकती हूँ कि आप अपने बच्चों पर निवेश करना चाहते हैं तो अपना समय उन पर निवेश कीजिए, उन अपने अच्छे संस्कार उनमें निवेश कीजिए. और यह ध्यान में रखें कि एक श्रेष्ठ बालक का निर्माण 100 विद्यालय को बनाने से भी बेहतर होता है. आपने अगर एक अच्छे बालक को बना दिया तो 100 विद्यालय भी उस तरह के बालक को क्रिएट करने में फेलियर होगा, या 100 विद्यालय भी वो उतना अच्छा एक चाइल्ड को डेवलप नहीं कर सकता है. सो एज अ पेरेंट अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसीलिए यह मेरा आप सभी पेरेंट एज अ टीचर्स और सभी से अनुरोध है कि अपना समय और अच्छे संस्कारों पर निवेश कीजिए अपने बच्चों पर, ताकि एक श्रेष्ठ बालक का निर्माण हो सके. और जब एक श्रेष्ठ बालक का निर्माण होगा तो वो 100 बेहतर विद्यालय बनाने से ज्यादा बेहतर होगा. थैंक यू सर. एनी अदर क्वेरीज? थैंक यू ऑल फॉर योर होल हार्टेड कोऑपरेशन. ओके ओके सर.
yes, 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 sorry, sir. Yeah, yeah, gender, I'm very sure, sir. मैं जागृति मैम को आमंत्रित करता हूं। मैम आप श्वेता मैम के लिए वोट ऑफ थैंक्स दीजिए। थैंक यू सर। बट एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में दिख रहा है, आई थिंक मैम पहले उसका आंसर दे दे। पिंकी राजपूत जी का एक क्वेश्चन है, बच्चों में जिज्ञासाएं बहुत होती हैं लेकिन ऑनलाइन टीचिंग में प्रत्येक बच्चे से बात करना संभव नहीं होता, ऐसी स्थिति में टीचर का रोल केवल सूचना पहुंचाने का होता है, इसे कैसे मैनेज किया जाए? एज अ टीचर हम भी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बच्चों के साथ, और मैंने कहा ये सब तभी ही पॉसिबल होगा जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज आ जाए, और हमारा देश बहुत पीछे अभी इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर, बट एट आवर एंड वी कैन डू। हम लोग एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकें और उस मीटिंग में बच्चों के जो सवाल हैं वो ले सकें, और उन सवालों का आप जवाब, एट द टीचर्स आर नॉट ऑलवेज हैविंग ऑल द नॉलेज, सो हम उन सवालों का आप जवाब तैयार कर सकते हैं और उन्हें एक दूसरी मीटिंग ऑर्गेनाइज करके उनका जवाब दे सकते हैं। और मैं तो ये करती हूँ उन लोगों के अंदर एक इंटरेस्टिंग करने के लिए कि कोई भी फैक्टर अगर पढ़ा रही हूँ तो उससे रिलेटेड जो अभी रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है, सो आई टेल देम दिस इज योर ई होमवर्क, फाइंड आउट दिस, सो इन दैट वे देयर नीड और नॉलेज, द क्रीड फॉर देयर नॉलेज कैन बी सेटिस्फाइड। थैंक यू मैम। आई थिंक पिंकी राजपूत जी का क्वेश्चन का आंसर उनको मिल गया होगा। Very well elaborated, very well organized. Everything was fabulous, and thank you, ma'am, from very core of my heart, and on behalf of the whole teacher educator community, I stands this opportunity, this for vote of thanks. As times our own lights goes out and it is wrinkled by a spark from another person, each of us has a cause to think with deep gratitude those who have lightened the flame within us, that is. And yes, you know, you have added the new normal situation that will definitely come, and of course we have to make a plan for the new normal condition. The positive attitudes you added with the help of that, we will able to achieve our goals in this pandemic situation. The point you elaborated on the cyber security is a major issues at this time of 5G generation gap. As a parent and as a teacher, we have to look into it as well. Proper watch on the over sharing of the content of the private information should also be rechecked at time to time by the parents, as well as a teacher, it's our responsibility to taught our children so that they should not share their private information. And one more thing, you elaborated, that's game addiction. That is a very important point of parenting, a good parenting. The way you added the various kind of researches like IITs and so many others was very fabulous. And what's the being creative, creativity is very essence of each and everything, and in a phase of learning, in a phase of parenting, it is very essential to have a good parenting and good values in our child's for the better inculcation. And we learn about the digital safety, it is a very fabulous content you developed, which is must and available for a good parenting. And like privacy settings, there are so many things you discuss, like we can add on, and one eye check should also be make a control over the activities of our children's, that what we are they are seeing, what we are learning and not, and taking the parents in the confidence, the statement added by the Yankya sir, thank you sir for adding this statement of like the parents can taking the parent in the confidence is much more necessary rather than if we take them in a satisfaction mode.
वेरी वेल आर्टिकुलेटेड पेरेंट प्रेजेंटेशन वॉज दिस. थैंक यू मैम. इट वॉज फैबुलसली कंटेन्ड एंड द एवरीथिंग वॉज ओवरऑल कंटेंट वॉज वेरी वेल ऑर्गेनाइज. Each and every query has been answered in a decent way. It was like a fabulous deliberation has been done by you, ma'am. Fruitful lecture. Everything, every person, every audience is getting to enlightened by your lecture. So the teachers, you added like collaborative efforts, one more thing. And the children's the holistic development. We can, of course, add if we follow some of your tips shared by you. And last thanks to our audience for giving us time and sparing with us. And I will end up the session. Some special lines for our admin sir. वो हाथ सदा पवित्र होते हैं जो दुआ से ज्यादा सेवा के लिए उठते हैं. And these are lines for all of our whole team of teacher educators. Thank you to each and everyone, our coordinator Anand Sahu sir, Samunath sir, Yankya sir, Tulika ma'am, who given us their precious time, and so many other Yogin sir, Jitin sir, so many teachers. Thank you to one and all for giving us your precious times. And moreover, in future also we'll keep in touch, stay connected, stay safe. Thank you once again. Thank you, ma'am. Shambhu sir, can we wind up our session? I think Shomu sir has given that like in a chat box he shares his message. Thanks to all the participants and all. Thank you, audience. We will meet again in next session, our lecture number 5. Till now, till then, stay safe. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.